वही बेडरूम यदि मान लीजिए किसी लड़की का बनाना है जिसकी शादी होने वाली है, कई बार हम देखते हैं कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी भी है, सुंदर है, अच्छे किसी जॉब में है या अच्छी किसी नौकरी में है, बावजूद इसके भी कोई कारण समझ में नहीं आता। पंडित को कुंडली दिखा दिखा थक जाते हैं, कहते हैं भाई यार शादी के योग हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि शादी के योग होने के बावजूद भी समटाइम्स मैरिज नहीं होती, तो उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो कन्या का जो कमरा है, लड़की का जो कमरा है, वो हम साउथ वेस्ट में बना देते हैं या साउथ में बना देते हैं या वेस्ट में बना देते हैं। ये तीनों ही डायरेक्शंस मेल पर्सन्स के लिए है, यानी घर में यदि अपना है या पुत्र का है तो ही है, यदि कन्या का बनाना है तो उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण NW। वहाँ पर यदि हम बनाते हैं, वायु का क्या है कि आती है और जाती है, यानी चलायमान, मूवेबल, मूवमेंट में रहती है हमेशा, तो उसके लिए कन्या का भी यही मतलब रहता है कि जब वो यंग हो गई है तो अपने घर में जाए। अपने वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, कैसे कि हम देखते हैं कि हमने कमरा तो नॉर्थ वेस्ट में बना लिया, हमने किसी अखबार में पढ़ा, किसी मैगजीन में पढ़ा, किसी टीवी चैनल पे देखा तो हमने उसका नॉर्थ वेस्ट, लेकिन बेड उस नॉर्थ वेस्ट वेस्ट के उस कमरे के साउथ वेस्ट में रख दिया, तो हमारे को उसका जो बेड है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वेस्ट में रखें। फीमेल जोन जो है नॉर्मली वेस्ट मानी जाती है, तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट के वेस्ट में रख लीजिए या नॉर्थ में भी रख लीजिए तो चलेगा। बाकी जो रूल हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो वही हैं, सेम हैं।